भाई हमने इसके JTR को वापस कर दिया है। तो गाइस तुम सोच रहे होगे मैंने अभी अभी किसको निसान JTR वापस की। तो गाइस सीन ये है, हमें पिछली वीडियो में एक कबाड़ हो चुकी निसान JTR मिली थी जिसको हमने बहुत अच्छे से रिबिल्ड किया था और इस तरह हमें एक फ्री में न्यू GTR मिल चुकी थी। बट गाइस यार प्रॉब्लम क्या हुई ना भाई, मैं कल वहीं से जा रहा था जहाँ से मुझे ये GTR मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली भाई जिसकी GTR थी ना उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ गई और भाई उसने अपनी GTR को पहचान लिया। अब भाई यार पता लगने के बाद ना वो अपनी GTR को वापस मांग रहा है। बट यहाँ पे तुम सोच रहे होगे भाई हमने अपनी GTR को पूरी तरह से रिबिल्ड कर दिया था और इसका पेंट वगैरह भी चेंज कर दिया था, तो भाई उसको पता कैसे लगा ये उसकी निसान GTR है। तो गाइस यार मेरे से ना एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, जब मैं इसको रिबिल्ड कर रहा था भाई मैं इसकी नंबर प्लेट ही चेंज करना भूल गया जिसपे उस प्लेयर का नाम लिखा हुआ है Sandy007। भाई यही है वो जिसकी ये GTR है और वो अब मुझसे वापस मांग रहा है। और लो भाई जिसकी मैं बात कर रहा था उसकी कॉल भी आ गई। चलो भाई इससे बात करते और देखते हैं क्या बोल रहा है। हेलो हेलो भाई, हेलो। हाँ भाई हेलो हेलो। हाँ भाई तुम आए नहीं अभी तक GTR लेके, तुझे लोकेशन भी सेंड कर दी थी। हाँ भाई मैं तो आ ही रहा था, तुम ही सर्वर में से लेफ्ट कर गए। अब तो आ गया ना, अब तो आ जा। अभी या तो तू आएगा या तेरे घर पे पुलिस, फिर तू कहेगा। हाँ भाई बस आ ही रहा हूँ, बट ना एक मुझे बात कहनी थी। हाँ बता। GTR को रिस्टोर करने में मेरे भी तो पैसे लग गया ना, उनका क्या होगा? मैंने थोड़ी बोला था तुझे रिस्टोर करने को, वो तो तू उठा के ले गया था। बट भाई मेरे पैसे तो लग चुके हैं ना गाड़ी पे। वो कोई नहीं देख लेंगे, पहले तू GTR लेके आ। तो देखा गाइस यार वो कितना ज्यादा गुस्सा हुआ पड़ा है। तो चलो यार जल्दी से उसकी लोकेशन पे चलते हैं और उसको ये GTR वापस करते हैं। तो उसने ना हमारे GPS पे अपनी लोकेशन भेज दिया है, तो यहाँ पे उसका घर जहाँ पे हमें वापस करना है। तो चलो यार जल्दी से चलते हैं उसके घर पे। तो भाई मुझे ना ये बहुत ज्यादा संभल के लेके जानी पड़ेगी भाई, आज बिल्कुल भी ठोका ठाकी नहीं करनी है। तो चलो यार जल्दी से यहाँ से चलते हैं और उसको गाड़ी वापस करते हैं। भाई यार मैं तो सोच रहा, अरे भाई ये मैकलेरन वाला ना, भाई ये मैकलेरन वाला ना, जहाँ पे भी सीधा रोड होगा ना भाई फुल तो मैं भगाऊंगा इसको, आखिरी बार ही चलाने के लिए मिली है भाई, इसके फुल मजे लेंगे। और भाई सबसे ज्यादा बढ़िया बात तो ना ये होगी भाई मैंने इस पे ज्यादा पैसे नहीं लगाए, नहीं तो भाई और भी ज्यादा नुकसान हो जाता। ओके तो यहाँ से भगाते हैं भाई, आगे भी सीधा रास्ता है। ओके सही है सही है। तो भाई उसका घर, आओ भाई साहब क्या था ये? भाई मेरा ध्यान थोड़ा सा इधर उधर हुआ, भाई थोड़ा डंट वगैरह तो पड़ गया है, बट चलो कोई बात नहीं इतना चलता रहता है। भाई मैं कह दूंगा वो मैकलेरन वाला पीछा कर रहा था। तो चलो यार जल्दी से इसको वापस करते हैं और अपने ऊपर से टेंशन हटाते हैं। वैसे यार जगह तो काफी ज्यादा बढ़िया है जहाँ पे इसने घर दे रखा है। भाई मैं भी ना न्यू घर लेने की सोच रहा था, मैंने पिछली वीडियो में तुम्हें जो जगह दिखाई थी, बट देखेंगे भाई कब लेना है, अभी तो मेरे पास बस $1,00,000 है। ओके तो इसने कहा था भाई यहाँ पे पार्किंग लॉट में खड़ाना है, तो चलो यहाँ पे खड़ा देते हैं। भाई यार एक बार लोकेशन देखो कितनी ज्यादा बढ़िया जगह पे इसने घर दे रखा है, ये सामने वाला ना भाई यही घर है इसका। तो चलो यार मैंने इसकी GTR को यहाँ पे खड़ा दिया इसकी पार्किंग में, और भाई एक बार लोकेशन देखो कितनी ज्यादा बढ़िया जगह पे इसने घर ले रखा है ये। चलो छोड़ो यार इससे मैं बात करके आता हूँ, भाई हमने इसके GTR को वापस कर दिया है और अब हमारे पैसे का क्या बनेगा जो हमने इस GTR पे लगाए हैं। ऑल राइट गाइज, भी मेरी इससे बात हो चुकी है और अब मेरे पास एक बैड न्यूज़ है और एक गुड न्यूज़। तो गाइज यार बैड न्यूज़ ये है, अब हम इस GTR को कभी नहीं देख पाएंगे क्योंकि इसने अपनी GTR को वापस ले लिया है। और भाई अब गुड न्यूज़ ये है, जो हमारे उस GTR पे पैसे लगे थे ना, तो उसके बदले में इसने मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की है जो कि ये बता रहा है अभी बहुत ज्यादा बढ़िया गाड़ी है वो। बट गाइज यार एक प्रॉब्लम है, जहाँ पे मुझे वो गाड़ी लेने जाना पड़ेगा ना भाई वो यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो इसलिए मैंने अपने लिए ना एक टैक्सी बुक की है। और भाई यहाँ पे टैक्सी देखो कौन सी चलती है, रेंज रोवर चलती है भाई यहाँ पे। भाई इतनी ज्यादा लग्जरी जगह है ना भाई, इससे नीचे तो कोई गाड़ी नहीं चलती है। तो चलो छोड़ो यार जल्दी से इसमें बैठते हैं और वहाँ पे चलते हैं जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी है। ओके तो मैं बैठ चुका हूँ। अरे अंकल क्यों बजा रहे हो? अच्छा भाई ये गाड़ियों को सेट कर रहा है शायद से। ओके अब शुरू हो चुकी है। तो गाइस यार मैंने मैप में लोकेशन लगा दिया जहाँ पे हमें जाना है। भाई मुझे अपने असिस्टेंट से ना गाड़ी मंगवा लेनी थी यार, बट यार मैंने सोचा यहाँ से टैक्सी बुक कर लेते हैं, भाई टैक्सी का भी तो थोड़ा मजा उठाना चाहिए ना। तो गाइस उसने एक बात मुझे और बताई थी, भाई एक ट्विस्ट होगा जब मैं उस गाड़ी को देखूंगा। लिटरली भाई उसने ना गाड़ी का नाम ना मॉडल भाई यहाँ तक कि उसकी कंडीशन भी नहीं बताई वो कैसी है। भाई यार मुझे लग रहा है ना हमारे साथ बहुत बड़े वाला स्कैम होने वाला है, तो चलो यार वहीं पे जाके पता लगेगा भाई क्या ट्विस्ट दे रखा उसने।
ओके तो गाइस अभी लोकेशन पे हम पहुंचने वाले हैं और भाई साहब क्या उसने डरावनी जगह की लोकेशन दी है भाई, यहाँ पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। ओके तो चलो गाड़ी को यहीं पे रुकवा लेते हैं, तो बाकी ना आगे मैं खुद ही चला जाऊंगा, तो जल्दी से टैक्सी में से उतरते हैं भाई। तो चलो भाई देखते हैं क्या गिफ्ट मिला हमें। वैसे भाई एक बार सोचनी पड़ेगी, इतनी बेकार सी जगह पे भाई, सुनसान सी जगह पे कौन सा गिफ्ट देगा भाई। वेट भाई, एक गाड़ी तो खड़ी है, बट भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है फिर से हमें, नहीं यार नहीं, हमें पास जाके पहले देखना चाहिए भाई कौन सी गाड़ी है ये। नहीं यार भाई, मैं जो सोच रहा था ना वही है भाई। माना यार मैंने GTR बहुत अच्छे से रिस्टोर की थी, बट ये थोड़ी नहीं भाई तुम कोई भी टूटी हुई गाड़ी गिफ्ट कर दोगे मुझे। बट गाइस वेट यार, भाई ये बुगाटी डीवो है भाई, डीवो कैसे मिल सकती है? ओ भाई डीवो गिफ्ट करी है उस बंदे ने। बट भाई एक बात है, बहुत ज़्यादा बेकार हालत में है ये, देख रहे हो भाई, GTR से भी बहुत ज़्यादा गंदी कंडीशन में है भाई। मुझे तो लगता है ना ये चल भी नहीं पाएगी। चलो यार छोड़ो, एक बार इसमें बैठ के देखते हैं। और राइट गाइस भी मैं गाड़ी में बैठ चुका हूँ यार, इस पे भी मुझे ना पैसे लगाने पड़ेंगे भाई, क्या गिफ्ट दिया है उसने ये। भाई इस टाइम मुझे खुशी भी हो रही है और रोना भी आ रहा है। खुशी ये है मुझे बुगाटी डीवो मिल चुकी है जो 3 मिलियन क्रेडिट्स की गाड़ी है, और भाई रोने की बात ये है इस पे मुझे बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। तो चलो यार इसका इंजन शुरू करके देखते हैं भाई ये चलती भी है नहीं चलती है। अबे वेट भाई, इसमें तो ब्रेक नहीं है गाइज। ओ भाई जैसे मैं हैंड ब्रेक छोड़ रहा हूँ ये देखो। अबे यार भाई इसकी ब्रेक भी मरी पड़ी है। तो चलो यार इसका इंजन शुरू करके देखते हैं भाई, मुझे तो नहीं लगता ये स्टार्ट होगी। ओके तो 3, 2, 1 लेट्स गो। भाई थोड़ा सा स्टार्टर पकड़ा है बस। ओके भाई दोबारा शुरू करते हैं, 3, 2, 1 गो। अरे नहीं यार ये अभी भी नहीं हो रही है। ओके गाइस लास्ट ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ ना भाई मैं इसे टो करवा दूंगा। तो 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके भाई हुआ है। ओके तो चलो इसको चला के देखते हैं भाई। ओके अबे रेस कैसे पकड़ रही है भाई, कभी रेस पकड़ रही है कभी छोड़ रही है ये। ओके भाई चल तो रही है भाई, चल भी नहीं रही है भाई, चल भी रही है क्या बोलूं मैं, चल भी रही है या नहीं चल रही है, कैसी सी गाड़ी दे दी भाई इसने। ओके गाइस जैसे तैसे करके भाई इसको पक्के रोड पे तो ले आया हूँ मैं भाई, ये क्या टायर हुए पड़े हैं इसके। ओके तो गाइस भी मैं गाड़ी से बाहर निकल गया हूँ भाई, मैं तुम्हें एक बार ये चीज दिखाना चाहता हूँ, ये देखो तुम यहाँ पे भाई, ये देखो बिल्कुल बॉडी किट से लग रहे हैं इसके टायर भाई, ये चल भी नहीं पा रही है भाई। गिफ्ट तो दिया है उसने, बट क्या गिफ्ट दिया है यार, इससे बढ़िया तो मेरे पैसे वापस कर देता हूँ। और राइट गाइस यार जैसे तैसे करके मैं इस गाड़ी को अपने घर तक तो ले आया हूँ भाई, यार बहुत ज्यादा। ओके वेट भाई, इस गाड़ी को ना यार मैं अपने घर पे रिस्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखो भाई यार तुम्हारे सामने है, कैसे चल रही है भाई ये। भाई फोर्ज़ा में तुमने कोई ऐसी गाड़ी देखी है जैसे ऐसे चलती हुई? भाई पता नहीं कौन से आदमी ऐसे में घुस रखी है। तो भाई अपने घर के पास में एक कार रिपेयर की शॉप खुली है भाई, ये देखो कैसे झटके मार दिया। इसको छोड़ो यार, इसको छोड़ो तुम भाई, मैं ये कह रहा हूँ भाई मेरी फ्रेंड की शॉप यहीं पे है पास में, तो यहाँ पे अपनी बुगाटी को देते हैं भाई, ये रिस्टोर करके देगा हमें। ओके गाइस यार मैंने यहाँ पे बुगाटी को खड़ा दिया है, अब चलो यार जल्दी से गैरी से बात करके आते हैं भाई, वो कब तक इसको ठीक करेगा। ओके तो गाइस भी मेरी इससे बात हो चुकी है, और भाई ये कह रहा है अभी के लिए ना बुगाटी को अपने घर पे ले जाओ, और भाई मैं वहीं पे आके इसको रिपेयर कर दूंगा। तो चलो यार जल्दी से इसमें बैठते हैं और अपने घर पे लेके चलते हैं। ओके तो गाइस भाई हम अपने घर पे आ चुके हैं, और कुछ ही देर में भाई अपना फ्रेंड भी आता होगा इसको रिपेयर करने के लिए। ओके भाई साइड में से यार बॉडी किट सही कर दे, हाँ ये सही है भाई, ये सही है। ओके भाई फ्रंट से तो बहुत ज़्यादा बढ़िया कर दिया यार अपने गैरी भाई ने। हाँ गैरी ये अलॉय व्हील भी देखो यार कितने ज़्यादा जंग खा रखे हैं, हाँ अब ज़्यादा सही है भाई। हाँ गैरी यहाँ पे पीछे से रहता है, ओ भाई कितना ज़्यादा सही कर दिया भाई इसने। और भाई पीछे से तो पहले इसकी सैंडी नंबर प्लेट हटाऊंगा मैं भाई, क्या गिफ्ट दिया है यार। वो तो अपना गैरी है भाई अपने साथ में, तभी ये गाड़ी ठीक हो पाई है। अब भाई ऊपर से देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लग रही है। ऑलराइट गाइस अपने फ्रेंड गैरी ने हमारी बुगाटी डीवो को फुल रिस्टोर कर दिया है, बट भाई इसका इंजन ना अभी तक वैसा का वैसा ही है, तो वो हमें चेंज करना है। तो चलो यार जल्दी से इसका इंजन वगैरह चेंज करते हैं और फिर भगाते हैं भाई इसको। ओके तो चलते हैं यहाँ पे पहले अपग्रेडिंग शॉप पे, तो चलो यार पहले इसके इंजन पे काम करते हैं। ओके तो यहाँ पे सीधा आता है अपना ट्विन टर्बो, और मैं तो ये एंटी लैग सिस्टम लगाने वाला हूँ भाई, बहुत ही ज्यादा फटाके फोड़ूंगा मैं तो। ओके तो अब चलते हैं हैंडलिंग पे। वैसे तो देखो भाई गैरी ने बिल्कुल सही कर दी थी, बट यहाँ पे ना वेट रिडक्शन पे आते हैं और ये वाली किट डाल लेते हैं भाई, इससे ना इसका वेट बिल्कुल हल्का हो जाएगा और इसका लॉन्च भी सही
सही हो जाएगा। और अब चलते हैं ड्राइव ट्रेन पे। और भाई अब बताओ कौन सा इंजन डालूं मैं इसमें। तो रेस ट्रांसमिशन तो ये वाला डाल लेते हैं। अब इसमें मुझे शाफ्ट भी डालनी पड़ेगी तो ये वाली डाल लेते हैं। और भाई इसमें ड्रिफ्ट भी डाल देते हैं। ओके तो ये रेस वाली डाल देते हैं। ओके तो नेक्स्ट आते हैं इसके टायर्स। तो गाइस यार मुझे ना इसके टायर और ये अलॉय व्हील यही सही लग रहे हैं भाई। ये बुगाटी के अपनी कंपनी के हैं तो इसको छोड़ो यार, इसको रहने देते हैं। अब चलते हैं भाई इसके स्पॉइलर पे। तो ओके पहले फ्रंट बम्पर देखते हैं इसका। इसकी गाइस एक बार रैंक देखो भाई, ये वाला बम्पर लगाते ना भाई इसकी रैंक देखो 999 हो रही है। तो यही वाला लगाते हैं। और अब चलते हैं इसके स्पॉइलर पे और ये वाला लगाएंगे। नहीं यार इससे हैंडलिंग बेकार हो रही है इसकी। छोड़ो यार इसको छोड़ो, यही वाला लगा रहने देते हैं, ये ज्यादा सही लग रहा है इस पे। ऑलराइट भाई हमने अपने बुगाटी में फुल इंजन वगैरह नया डाल दिया है और भाई 21,000 का बिल बना है। तो चलो यार इसको पे कर देते हैं क्योंकि अब भाई हमारे पास आ चुकी है बुगाटी डीवो भाई, जो निसान GTR जितनी तगड़ी है। बट निसान GTR की अपनी बात है, चलो छोड़ो यार उसको जाने दो। तो भाई अपनी बुगाटी फुल रिस्टोर तो हो चुकी है, अब भाई बस इस पे पेंट करना रहता है। तो चलो जल्दी से पेंट शॉप पे चलते हैं। और यहाँ पे इसका सिग्नेचर पेंट पहले से रखा हुआ है भाई तैयार करके मैंने। तो चलो गाइस इसको लगाते हैं। और भाई एक बार अब गाड़ी देखो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है भाई। भाई जब वो देखेगा ना भाई हैरान हो जाएगा। और वेट भाई अभी तक इसकी सैंडी नंबर की प्लेट लगी हुई है, रुक जाओ भाई अभी इसको चेंज करता हूँ मैं। ऑलराइट गाइस लेट्स गो भाई, अब देखते हैं अपनी बुगाटी डीवो कैसे भागती है। ओके भाई एक बार इसका कलर देखो भाई, एक बार अपनी बुगाटी डीवो देखो भाई कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। तो चलो भाई, ओ भाई साहब चार चार एग्जॉस्ट से पटाखे छोड़ रही है ये। ओके भाई साहब क्या लग रही है ये। अबे भाई ये यहाँ के बंदे ना बहुत ज्यादा जलते हैं भाई। चलो भाई अब भगाते हैं अपनी बुगाटी को। ओ भाई चौथे गियर में भाई क्या स्पीड पकड़ रही है। ओ भाई साहब ब्रेक भी बहुत ज्यादा सही है। तो चलो गाइस फैसले की घड़ी आ चुकी है। तो भाई मैं तो बस रेस देने वाला हूँ भाई, तुम्हें बताना कमेंट में भाई ये कितनी देर में 100 पकड़ती है। तो 3 2 1 लेट्स गो। ओके ओके ओके। ओ भाई मैंने जहाँ तक देखा ना भाई इसने तीसरे गियर में 100 पकड़ा, बट भाई बहुत ज्यादा भाई तेज एक्सेलरेशन है इसका देखो भाई। ओ भाई बहुत ज्यादा तूफानी गाड़ी है ये तो। भाई अपना गैरी है जिसको भाई ऐसी गाड़ियों की नॉलेज है उनको कैसे ठीक करना है भाई। कहाँ ये खटारा गाड़ी थी और अब देखो भाई कैसे भाग रही है ये। ऑलराइट गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और अगर और भी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।